हेलो दोस्तों, मैं मसरत अब्बास और रिसेंटली मैंने एक आईफोन परचेज़ किया, आईफोन 11 64 GB में, और वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक मैं यूवी प्लस जिसे कि नॉर्मल एक यूवी प्रो फिल्टर तैयार कर रहा हूँ, जिसमें स्टोरेज टैंक भी होगा, ऑटो कट भी होगा एज इट इज़, जो आप देखते हैं हम लोग जिस बॉडी में जिस कैबिनेट में तैयार करते हैं, मैं उसमें ही यूवी टैंक यूवी प्योरीफायर तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा ये बॉडी है, ये इसमें देखिए, फिर उसके बाद यहाँ से इनपुट लाके पहला कार्बन है, फिर सेडिमेंट है, उसके बाद फिर एक कार्बन लगाएंगे और साथ में ये यूवी ट्यूब भी लगा देंगे। ठीक है, यूवी चोक और SMPS वगैरह मैंने सब लगा लिया है, ऑटो कट स्विच बिल्कुल सेम एज इट इज़, जैसे मैंने RO प्योरीफायर का आप लोगों को कई बार वीडियो बना के मशीन का दिखाया। देखिए मशीन वहाँ से आएगी, वैसे ही उसमें देखिए सोलेनॉइड वॉल्व लगेगा, सेम एज इट इज़ रहेगा, बस पंप नहीं होगा, मेम्ब्रेन नहीं होगी, और मतलब यहाँ तक मशीन सेम रहेगी। उसके बाद से उसमें चेंजेस स्टार्ट होंगे। चेंजेस क्या होंगे उसमें, जो RO प्योरीफायर को रन कराने के लिए जो भी स्पेयर लगते हैं वो सब नहीं होंगे इसमें। उसके पहले जो नॉर्मल यूवी का सिस्टम होता है वो सब कुछ लगा होगा, एक इसमें सेडिमेंट और लगेगा और ऊपर साइड में यूवी लग जाएगा, उसके बाद पानी हम सीधे टैंक में कलेक्ट करेंगे। तो उसमें देखिए ये हमारी टैंक है जिसमें हमें स्टोर करना है अप्रॉक्स 14 लीटर, और सेम एज इट इज़, बस नीचे पंप नहीं होगा, ये हमारा प्योरीफायर बन के स्टार्ट हो जाएगा, और जिसमें आपको एट अ टाइम एनी टाइम आपको 14 लीटर का स्टोरेज आपको मिल जाए। तो ठीक है, मैं इसको तैयार कर रहा हूँ और तैयार करा के एक बार आपको फिर से वीडियो में दिखा देता हूँ। Papa?